अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन। ठीक है, तो प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स की इंटरेक्शन विद प्लांट्स, प्लांट माइक्रोब्स इंटरेक्शन। तो प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। तो ये पॉजिटिव भी होगी, तो अगर पॉजिटिव होगी तो हम इसको कहेंगे कि ये है सिम्बियोटिक एसोसिएशन। प्लांट माइक्रोब की इंटरेक्शन जो होगी प्लांट्स की माइक्रोब्स के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो अगर तो वो होगी पॉजिटिव तो ये होगी सिम्बियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, और अगर वो एसोसिएशन जो होगी वो क्या होगी, वो होगी नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या होगी, ये कहेंगे हम इसको कि ये है हमारे पास पैराजाइटिज्म या फिर पैथोजेनिक एसोसिएशन। ठीक है, तो पैराजिटिक एसोसिएशन ये होगी या फिर पैथोजेनिक होगी अगर नेगेटिव इंट्रैक्शन होगी प्लांट्स की और माइक्रोब्स की, और अगर न्यूट्रल होगी, और कुछ केसेस में ये इंटरेक्शन न्यूट्रल भी हो सकती है। तो उसके बाद हम ये कुछ टर्म्स को डिस्क्राइब करेंगे जो कि प्लांट माइक्रोब्स इंटरेक्शन की लोकेशन को बयान करती है। ठीक है ना, तो वो कुछ हमारे पास टर्म है जो डिस्क्राइब करती हैं लोकेशन ऑफ द माइक्रोबियल हैबिटेट्स, टर्म डिस्क्राइबिंग लोकेशन ऑफ माइक्रोबियल हैबिटेट्स। तो सबसे पहले हमारे पास एपीफाइट्स, दूसरा है फाइलोप्लेन्स, और नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास फाइलोस्फेयर, फिर है राइजोफेयर और फिर है राइजोस्फेयर। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली कैटेगरी है हमारे पास एपीफाइट, ठीक है, दूसरी है फाइलो प्लेन्स, थर्ड है हमारे पास राइजो प्लेन, नेक्स्ट है हमारे पास फाइलोस्फीयर, और एट द एंड है हमारे पास राइजो। हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले एपी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है अपर, एपी वर्ड मींस अपर, और उसके बाद है जो प्लेन सॉरी फाइट वर्ड है इसका मतलब होता है फोटोसिंथेटिक प्लांट। फाइट वर्ड कौन सा होता है, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेटिक प्लांट की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं कि वो है हमारे पास एपीफाइट्स। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेटिक प्लांट की सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे उनको क्या कहेंगे, एपीफाइट्स। अब एपीफाइट्स के बाद हम बात करते हैं राइजोस्फीयर की। तो राइजोस्फीयर एक ऐसा एरिया होता है रूट के गिर्द, राइजो मीन रूट, स्फीयर एरिया रूट के गिर्द, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इम्पैक्टेड होता है। तो एरिया अराउंड रूट, रूट्स के अराउंड इम्पैक्टेड एरिया होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इम्पैक्टेड होता है। फाइलोप्लेन, फाइलो का जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है लीफ और प्लेन सरफस। तो फाइलो मीन लीफ, प्लेन मीन सरफस। तो ऐसा एरिया लीफ के ऊपर जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं हम उसको क्या कहेंगे कि वो फाइलोप्लेन एरिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राइजोप्लेन। राइजोप्लेन वही बात, प्लेन का मतलब वर्ड का क्या है, सरफस, और जो राइजो वर्ड है इसका मतलब है रूट। तो ऐसा रूट का सरफेस एरिया जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं उसको क्या कहते हैं, राइजो प्लेन। उसके बाद है फाइलोस्फीयर।
फाइलोस्फीयर, वही बात, फाइलो का मतलब क्या है कि ये लीफ और स्फीयर उसके सराउंडिंग एरिया, ठीक है। तो ऐसा एरिया लीफ का, एरिया अराउंड, यहाँ पे क्या था रूट, यहाँ पे क्या है लीफ, एरिया अराउंड लीफ इम्पैक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम कहेंगे ये फाइलोस्फीयर एरिया है, ठीक है। अब प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन के कुछ टर्म्स हमने, जो प्लांट माइक्रो, तो अब हमने प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन को स्टडी करने से पहले कुछ टर्म को स्टडी कर लिया है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन की, ठीक है। तो प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन की अब हम बात करेंगे। अच्छा, प्लांट माइक्रोबियल इंट्रैक्शन, प्लांट माइक्रोबियल इंट्रैक्शन के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले प्लांट्स जो होते हैं ना ये नॉन मोटाइल होते हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली ए बायोटिक स्ट्रेस को फेस करते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी मोटिलिटी नहीं होती, कोई भी हरकत नहीं होती इनके अंदर, ठीक है ना। तो नॉन मोटाइल, तो जब नॉन मोटाइल होंगे तो कॉन्स्टेंटली ये ना इन्वायरमेंट से फेस करेंगे स्ट्रेस को, ठीक है, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस को फेस करेंगे इन्वायरमेंट में से। ये स्ट्रेस क्यों होगी, ये स्ट्रेस की वजह होगी कॉन्स्टेंट वार पैथोजन से और होस्ट के दरमियान में, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट वार हो रही है प्लांट के दरमियान में और पैथोजन के दरमियान में, प्लांट एंड पैथोजन की वार हो रही है इन्वायरमेंट में मौजूद जो पैथोजन है, तो जिसकी वजह से या तो प्लांट जो होगा इस वार के बाद ये रिजिस्ट कर जाएगा, बच जाएगा। दो कंडीशंस होंगी यहाँ पे, या तो प्लांट जो होगा ये रिजिस्ट कर जाएगा या फिर क्या होगा इसके अंदर डिजीज काज हो जाएगी, ठीक है। तो प्लांट जो होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस फेस कर रहे हैं इन्वायरमेंट से। स्ट्रेस क्यों हो रही, क्योंकि प्लांट और पैथोजन के दरमियान में एक वार है, तो वार में क्या होगा, या तो पैथोजन जीत जाएंगे, अगर जीत जाएंगे तो डिजीज काज हो जाएगी, और अगर ये हार जाएंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना इनके अंदर। तो प्लांट की इंटरेक्शन जो होगी ये वाली, ये पैथोजेनिक भी होगी, सिम्बियोटिक भी होगी और एसोसिएटिव भी होगी, ठीक है। तीन तरह की इंटरेक्शन होती है ये वाली। सबसे पहले देखते हैं हम पैथोजेनिक इंटरेक्शन, कि पैथोजन की और प्लांट की कैसी वार होती है। पैथोजेनिक इंटरेक्शन के अंदर क्या है, ये इंटरेक्शन है प्लांट के दरमियान में और पैथोजेंस के दरमियान में, इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड पैथोजेंस, प्लांट एंड पैथोजन। तो इनके अंदर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसीज है ना सेल वॉल के बाहर, वो क्या करेगी, वो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में ये फर्स्ट बैटल फील्ड होगी, जहाँ पे ये पैथोजन, क्योंकि सेल वॉल है ना ये एक अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसीज है ना सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, इनके दरमियान में जो ये मैंने दो एरोज लगाए हैं, ये क्या है, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस बिटवीन प्लांट सेल वॉल एंड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो होगी ये फर्स्ट बैटल फील्ड होगी, फर्स्ट बैटल फील्ड होगी। तो इनिशियल स्टेज के अंदर क्या होगा, कि इन्फेक्शन की इनिशियल स्टेज के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया फंजाई वायरसेस वगैरह क्या करेंगे, ये कॉलोनाइज करेंगे प्लांट के होस्ट के और इनकेस्ड हो जाएंगे इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर, मतलब के वायरसेस या फिर हम बात करें बैक्टीरिया की या फिर सीवरल फंजाई जो होती हैं, ये जब इंटर होने की कोशिश करेंगी ना प्लांट में, तो यहाँ पे आगे ना ये सारे सब्सटेंसेस जो होंगे एक इनकेसमेंट बना लेंगे, यहाँ पर ये इनकेस्ड हो जाएंगे, यहाँ पर भी ये रुकेंगे, ठीक है। तो जो फाइनल स्टेज क्या होगी, या तो प्लांट जो होगा ये सिक्रिएट करेगा मेटाबोलाइट्स,
या प्रोटीन, ठीक है? तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये सिक्रिएट करेगा इस रीजन के अंदर मेटाबोलाइट्स और प्रोटीन यहाँ पे सिक्रिएट करेगा, और फिर क्या होगा, ये फिर बताएगा कि ये रिलेशनशिप इनके दरमियान कैसा होगा। या तो जो प्लांट सेल होगा, अगर तो ये यहाँ पे रिलीज हुए प्रोटीन यहाँ पे रिलीज होते हैं, या फिर प्रोटीन के अलावा यहाँ पे सीवरल केमिकल्स रिलीज होंगे यहाँ पे इस एक्स्ट्रा सेलर स्पेस के अंदर। या तो ये दो काम होंगे, या तो सेल जो होगा वो यहाँ पे जो इसकी प्रोटीन और केमिकल आई है वो यहाँ पे मौजूद वायरसेस बैक्टीरिया और फंजाई को किल कर देगा, ठीक है? या फिर ये सेल के अंदर इंटर होके तो इनको किल कर देंगे, ठीक है? या फिर क्या होगा, प्लांट सेल्स, अगर तो ये इनके अंदर इंटर हो जाएगा तो प्लांट सेल मर जाएगा, और अगर ये केमिकल्स जो हैं ये इसको किल कर देंगे तो ये मर जाएंगे। या फिर एट द एंड क्या होगा कि या तो प्लांट सेल जो होगा इसके दरमियान जब ये इंटर हो जाएंगे ये वायरसेस बैक्टीरिया और फंजाई सेल के अंदर, ये प्लांट इसके खिलाफ जो होगा वो ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेगा लेकिन वो इससे कम्पीट नहीं कर सकेंगी और प्लांट बाद में मर जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए ना जो तीन तरह के रिलेशनशिप हम देखते हैं पैथोजन की इंटरेक्शन में, एक होता है नेक्रोट्रोफी, बायोट्रोफी और हेमी बायोट्रोफी। ये पैथोजेनिक इंटरेक्शन की टाइप्स हैं, ठीक है? तो एक होता है नेक्रोट्रोफी, ठीक है? फिर है बायोट्रोफी, हेमी बायोट्रोफी। तो नेक्रोट्रोफी कंडीशन जो होगी इसके अंदर पैथोजन वायरसेस बैक्टीरिया या फिर फंजाई वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में जो आई थी उसने क्या किया, उसने नेक्स्ट रजिस्टर किया किसके खिलाफ, प्रोटीन और केमिकल्स जो प्लांट ने एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में भेजे थे वो उसके साथ भी लड़के उनसे जीत गई है। ये बैटल जो है वो पैथोजन के हक में आई है और ये जो है वायरसेस बैक्टीरिया और फंजाई प्लांट के सेल के अंदर चले गए हैं और प्लांट की सेल की डेथ हो गई है, डेथ हो गई है, प्लांट सेल डेथ, ठीक है? यहाँ पे प्लांट सेल डेथ टेक प्लेस। तो बायोट्रॉफी, यहाँ पे प्लांट ने रजिस्ट कर लिया है तो यहाँ पे क्या होगी, सेल प्लांट सेल रिमेन अलाइव। और एट द एंड क्या है, हेमी बायोट्रॉफी। तो हेमी बायोट्रॉफी के अंदर प्लांट सेल इनिशियली अलाइव रहता है, सेल इनिशियली अलाइव बट लेटर किल्ड, लेकिन बाद में सेल मर जाता है, ठीक है? तो उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके एक है पैथोजेनिक, नेक्स्ट है सिम्बियोटिक एसोसिएशन। तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन के अंदर आती है कि एसोसिएशन जो के मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होता है, ठीक है ना, डिफरेंट स्पीशीज के मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। सिम्बियोटिक एसोसिएशन कौन सा एसोसिएशन होता है, ऐसा एसोसिएशन जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होता है। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि एक जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली एक स्पीशी का ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन का एडवांटेज लेता है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन की एक टाइप है, बहुत फेमस टाइप है, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दो स्पीशी के दरमियान इंटरेक्शन होती है और दोनों ही बेनिफिट लेते हैं, ठीक है ना? तो इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज एंड ऑल दी टू स्पीशीज इनके दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है उससे बेनिफिट हो रहे हैं, ठीक है ना, उससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। तो इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें, सॉरी म्यूचुअलिज्म की, डिस्कवरी मतलब से नहीं है, तो डिस्कवरी की अगर बात करें म्यूचुअलिज्म की, उसको डिस्कवर किसने किया है, पीजी वैन बेंडन, बेंडन ने इसको डिस्कवर किया है। तो ऑर्गेनिजम्स आपस में फूड एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि अब एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे को फूड दे रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको शेल्टर दे रहा है, ठीक है ना? जिस तरह की अगर हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो क्या करता है, वो एंड टू फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है? और लिग्यून के रूट नड्यूल्स के अंदर, लिग्यून प्लांट के, ठीक है, रूट नड्यूल्स के अंदर ये पाया जाता है। अब उस नड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया ने क्या करना है, इसने नाइट्रोजन फिक्स करनी है और प्लांट को देनी है। प्लांट ने अब क्या करना है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करनी है और खुराक बैक्टीरिया को देनी है, ठीक है ना? तो फोटोसिंथेसिस करके जो खुराक देगा वो बैक्टीरिया को, और इसके अलावा शेल्टर भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो ये एक दूसरे के बगैर भी रह सकते हैं, कुछ होते हैं जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो राइजोबियम, अभी बात राइजोबियम जो है, राइजोबियम कहते हैं इस प्लांट को, इसकी एग्जाम्पल में आप लिखना है राइजोबियम इन रूट नड्यूल्स, ठीक है? तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।